Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study cyber crimes. Now start the lecture and understand what is cyber crime. See, nowadays computer and information technology is used at larger scale. Chahe defense ho, banking ho, right, governance ho, ya e-commerce ho, sab mein computers and information and communication technology ka use kiya jata hai. And using कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो जो है डिफेंस सर्विसेज हैं वो मॉडर्न होती जा रही हैं, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इक्विप हो रही हैं. साथ ही साथ हमारा जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, राइट, या हमारा जो मार्केट है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा. ई गवर्नेंस के द्वारा जो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन हमारे कंट्री के जो सिटीजन वो अवेलेबल या उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. इस तरीके से ये हमारी सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, राइट, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है. बट राइट, देयर आर ह्यूज चैलेंजेस एज वेल, क्योंकि इसी कंप्यूटर एंड आईसीटी का यूज़ करके जो है कई क्राइम्स या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट होती हैं, और उन्हीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ही क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है. तो इस तरीके से यदि हमें साइबर क्राइम को डिफाइन करना हो तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस का या कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ किया जाए, राइट, टू कमिट ऑफेंस और टू फैसिलेट द क्राइम, उसको ही क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है. तो इस तरीके से एन अनलॉफुल एक्ट या एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू कमिट और फैसिलेट द कमीशन ऑफ अ क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम. या इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क एंड द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज टू कमिट द साइबर क्राइम और इन मैनी केसेस इट इज ऑल्सो द टारगेट. क्योंकि कई बार, राइट, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, बुलिंग करने के लिए जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है. तो कंप्यूटर इज यूज टू कमिट द क्राइम, जिसमें जो यूजर्स होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, विक्टिम होते हैं. तो वहीं कई बार इसी साइबर क्राइम की वजह से कंप्यूटर खुद ही क्या होता है, टारगेट होता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कंटेन मैनी, राइट, मैनी कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन, और यदि उस कंप्यूटर को जो है उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उस डाटा को थेप्ट किया जाए, डाटा को स्टील किया जाए, तो वह भी क्या होगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत होगा, राइट. साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन और अ नेशंस सिक्योरिटी, राइट. साइबर क्राइम से कई बार जो रेपुटेड पर्सन होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो जाती है, राइट, उनकी पिक्चर्स, उनकी डाटा, उनकी मैसेजेस जो हैं लीक हो जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पॉइल होती है, डिफेम होती है, रेपुटेशन डिग्रेड हो जाती है. तो कई बार जो है हमारी नेशंस की, चाहे वो मिसाइल्स हों, सैटेलाइट हों, राइट, या फिर सबमरीन हो, उनकी जो इन्फॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स होते हैं, राइट, या कोड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं, जिससे नेशनल जो सिक्योरिटी वह भी ब्रीच होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे क्या होती है, फाइनेंशियल हेल्थ भी डिट्योरेट होती है, राइट. कई बार ई कॉमर्स कंपनीज या बैंकिंग सिस्टम में जब फ्रॉड्स होते हैं तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होती है या डिट्रियोरेट होती है. नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, राइट. तो साइबर क्राइम्स के कितने टाइप होते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट. तो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम्स को मेनली हम मॉनिटरी क्राइम्स में और जो है नॉन मॉनिटरी क्राइम्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट. कई बार कंप्यूटर और मोबाइल नेटवर्क, कई बार कंप्यूटर एंड नेटवर्क का यूज करके मॉनिटरी जो बेनिफिट है वो गेन करने के लिए क्राइम्स किए जाते हैं. तो कई बार
जो है नॉन मैंडेटरी ऑफेंसेस भी होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, साइबर वॉरफेयर हो जाएगा। अगर हमें किसी भी हमारे एनिमी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना हो तो या तो हम उस पर क्या कर दें, फिजिकली अटैक कर दें, मिसाइल वगैरह लॉन्च कर दें, या फिर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पॉइल कर दें, राइट। साइबर अटैक के द्वारा वहाँ पर जो भी ई कॉमर्स है या वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन उसको लीक कर दें, तब भी उसको क्या हो जाएगा, राइट, वो एक तरीके से स्पॉइल हो जाएगा या उस कंट्री की जो है सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम्स इंक्लूड मॉनेटरी क्राइम्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी ऑफेंसेस, राइट, एंड द क्राइम्स रिजल्ट इन डैमेज टू पर्सन, कंप्यूटर्स और गवर्नेंस। फिर भी अगर हम देखें तो मोस्ट साइबर क्राइम्स फॉल्ड अंडर टू मेन कैटेगरी, और वो मेन जो टू मेन कैटेगरी है उसमें से पहली कौन सी हो जाएंगी, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट्स द कंप्यूटर। अभी मैंने बताया है कि कंप्यूटर में कंटेन ह्यूज इंपॉर्टेंट डाटा और इंफॉर्मेशन, और इस तरीके से कई बार कंप्यूटर को टारगेट करके, राइट, उसके डाटा को और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कॉपी किया जाता है, या फिर उस डाटा को जो है स्टील किया जाता है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर। जैसे कई बार हम किसी भी जो पर्सनल कोई भी पर्सन है तो किसी भी पर्सन की सोशल मीडिया से उसके मोबाइल फ़ोन को हैक करके उसके पर्सनल डाटा को, उसकी पिक्चर्स को, वीडियोस को यदि हम स्प्रेड कर दें तो वह हरासमेंट हो सकता है, उसको हरास कर सकते हैं, उसको डिफेम कर सकते हैं, राइट, उसको इरिटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट्स कंप्यूटर एंड क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर फॉर साइबर क्राइम। अब इनमें अंतर क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए, साइबर क्राइम दैट टारगेट्स कंप्यूटर ऑफन इन्वॉल्व्स मालवेयर लाइक क्या हो जाएगा, वायरसेस। तो जब भी कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है तो वायरसेस को स्प्रेड करके, राइट, ईमेल के माध्यम से या किसी अदर मीडियम से वायरस को स्प्रेड किया जाता है, जिससे वह कंप्यूटर या वह सिस्टम जो है वो जो है उस सिस्टम या कंप्यूटर का डाटा स्पॉइल हो जाता है, राइट, या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहीं साइबर क्राइम दैट यूजेस कंप्यूटर्स टू कमिट देयर ऑफेंसेस में इन्वॉल्व यूजिंग कंप्यूटर्स टू स्प्रेड मालवेयर या इलीगल इंफॉर्मेशन या इलीगल क्या हो जाएगी, इमेजेस हो जाएगी, राइट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साइबर क्राइम होते हैं, क्या ये जो सारे के सारे जो साइबर क्राइम है ये केवल और केवल आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में ही पढ़ते हैं, या फिर ये साइबर क्राइम्स होते हैं जिनकी आप कंप्लेंट भी बुक कर सकते हैं, राइट। तो यस, हमारे इंडिया में आईटी एक्ट 2000 के द्वारा साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट की जा सकती है। तो एमसीक्यूज में, राइट, एमपीपीएससी में, राइट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फिशिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पैम से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, फिर साइबर बुलिंग से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे, और हमेशा ध्यान रखना कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी टू स्टडी, बट जो जितनी भी टर्म्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्पैमिंग एंड फिशिंग देन देर आर हाई चांसेस कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। एवरी स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है, बट ही डज नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैमिंग, राइट, फिशिंग, विशिंग, राइट। तो इनको मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा, सो दैट कोई भी क्वेश्चन हो वो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए। तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि साइबर क्राइम इज रिपोर्टेड इन इंडिया अंडर आईटी एक्ट 2000, क्लियर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट 2000 कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स अंडर साइबर लॉ इन इंडिया, राइट, और उन सभी क्राइम्स को हम मेनली सोशल क्राइम्स में, इकोनॉमिक क्राइम्स में और टेक्निकल ऑफेंसेस में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इफेक्ट, राइट। कई क्राइम्स ऐसे होते हैं जिससे इंडिविजुअल या सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, तो उनको हम सोशल क्राइम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कुछ जो साइबर क्राइम्स हैं उनसे हमारी कंट्री की इकोनमी जो है डिसरप्ट होती है, इकोनमी अफेक्ट होती है, तो उनको इकोनॉमिक क्राइम में हम रख सकते हैं। और
कई ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि टेक्निकल, जिनमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिनमें बहुत टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको टेक्निकल ऑफेंसेस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सोशल क्राइम में वी हैव टू स्टडी साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, डिफेमेशन, राइट, देन आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइम में सलामी अटैक हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा, पायरेसी हो जाएगा एंड स्पूपिंग हो जाएगा। देन टेक्निकल ऑफेंसेस में स्पैमिंग हो जाएगा, कुकीज़ हो जाएगा, डाटा डिगलिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, बग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डीबग हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टडी वन बाई वन। नाउ आपको क्या करना है, आपको जितने भी जो टर्म्स हैं उनकी एक्यूरेट डेफिनेशन या वो वर्ड एग्जैक्टली होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा एंड यू हैव टू आंसर दैट, राइट। तो चलिए लेट्स स्टडी साइबर वारफेयर। अब वारफेयर क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी दो कंट्रीज होती हैं, राइट, लेट्स से हमारा क्या हो जाएगा इंडिया एंड क्या हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, राइट, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, जस्ट लेट्स से ये क्या हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। If we have to harm or if we have to attack another country, then definitely there are two ways. Either हम उनको physically क्या कर दें, attack कर दें, मिसाइल वगैरह लॉन्च कर दें, तो वो कंट्री क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या उसकी इकोनमी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट इसमें जो है हमें UNO से या कई अनदर कंट्री से क्या होते हैं, सेंक्शन झेलने पड़ते हैं। बट दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइबर वारफेयर हो जाएगा, राइट। तो साइबर वारफेयर एक ऐसा वार होता है जिसमें उस कंट्री को हार्म किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस कंट्री की इकोनमी को या वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं या वहाँ की जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको क्या कर देना, डिसरप्ट कर देना, ताकि वह कंट्री ग्रो ना कर पाए या एक तरीके से उस कंट्री को क्या करना, हार्म पहुँचाना, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो चाइना हैज़ एनेमिक इंटेंशंस टूवर्ड्स इंडिया, इसलिए चाइना हमारे कंट्रीज की स्पेशली जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, राइट, उस पर साइबर अटैक करता है, जिससे कई बार तो हमारी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वह भी स्टील कर ली जाती है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है। तो कुल मिलाकर साइबर वारफेयर क्या होता है, तो देखिए, राइट, बाय अ कंट्री टूवर्ड्स अ एनिमी कंट्री। तो जब किसी भी नेशंस के द्वारा, राइट, साइबर वारफेयर क्या है, तो जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री या उस कंट्री की एनिमी कंट्री की जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको स्टील करना, डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर उस एनिमी कंट्री की जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर देना, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देना, जो सीक्रेट्स हैं उनको जो है स्टील कर देना, सेंसिटिव डाटा को स्टील कर देना, राइट, बाय एंटरिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसको ही क्या कहा जाता है, साइबर वारफेयर कहा जाता है। और वर्ल्ड में मेजरली जो चाइना है वो साइबर वारफेयर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइबर बुलिंग हो जाएगा। बुलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पर्सन को जो है इरिटेट करना, राइट, उसको हरास करना, राइट। और साइबर का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के द्वारा। तो साइबर बुलिंग इज द एक्ट ऑफ इंटीमेडिंग, हरासमेंट, डिफेमिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ मेंटल डिग्रेडेशन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसको ही क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं, राइट। और नाउडेज ये बहुत बार होता भी है, सोशल मीडिया पर कई बार किसी भी रेपुटेटेड पर्सन की जो इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, राइट, उसके द्वारा उसकी क्या की जाती है, उसको हरास किया जाता है, राइट, डिफेम किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफेमेशन हो जाएगा। तो डिफेमेशन क्या होता है, देखिए, इन आवर कंट्री वी हैव राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से किसी अदर पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है, राइट, प्रोफेशनल लाइफ है, वो स्पॉइल हो और वो इरिटेट हो और हमसे हरास हो, राइट। तो जब कभी भी, राइट, जब कभी भी
राइट, जब कभी भी किसी दूसरे पर्सन को हमारे स्टेटमेंट्स के द्वारा या हमारी ऑनलाइन या डिजिटल एक्टिविटीज़ के द्वारा राइट उसकी रेपुटेशन को हार्म होती है तो उसको ही डिफेमेशन कहते हैं। और स्पेशली इसका जो है यूज़ जो है नाउडेज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, चाहे पॉलिटिशियंस हो या सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो, राइट, वो किसी भी पर्सन को जो हरास करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो है उसके अगेंस्ट में जो है मिस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये कि इंडिया में उसके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। इसलिए अगर आप देखते हैं तो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, राइट, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो राहुल गांधी है, कांग्रेस है, या और भी कई अदर जो है पार्टीज होती हैं, वो कई बार प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, या किसी भी अदर पर्सन पर राइट इलीगल राइट सॉरी जो है इलीगल इन्फॉर्मेशन या फिर जो बाइस्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, राइट, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास में स्ट्रॉन्ग जो है सबूत नहीं होते हैं या प्रूफ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता है, उसके बावजूद जो है एलिगेशंस जो है वो लगाए जाते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डिफेमेशन कहते हैं। और डिफेमेशन से जो है डिफेमेशन से जिस पर्सन को कई बार हरास किया जाता है और उसकी रेपुटेशन जो है डिग्रेड होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसा सोशल क्राइम है जिसमें जो है कंप्यूटर एंड आईसीटी का यूज़ करके किसी भी यूज़र की आईडी को, पासवर्ड को या उसकी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइम। इकोनॉमिक क्राइम का मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए ऐसे साइबर क्राइम्स जिससे इकोनमी अफेक्ट होती है उसको ही हम जो है इकोनॉमिक क्राइम भी कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सलामी अटैक हो जाएगा। सलामी अटैक जो है सलामी अटैक ऐसा अटैक होता है जिसमें सीरीज ऑफ मैनी स्मॉल एक्शंस होते हैं जिसका लार्ज एक्शन होता है या लार्ज रिजल्ट होता है उसको ही सलामी अटैक कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने कहा कि पतंजलि है, राइट, अब पतंजलि इज एन इंडियन ब्रांड। अब अगर पतंजलि का कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है तो कई बार क्या होती हैं कि जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होती हैं वो कॉम्पिटिटिव कंपनीज कई बार जो है इनके अगेंस्ट में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे उन्होंने कह दिया कि इस जो प्रोडक्ट है, राइट, इस प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस क्या है मिला हुआ है, राइट, या फिर इसको जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्या है, खतरनाक है, या उससे लोगों का हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, राइट, इस तरीके की जो अटैक्स है अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड की जाए या जो अटैक किए जाएँ तो धीरे 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 टाइम एंड अगेन उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या होगी, डिग्रेड होगी, राइट, और जब कस्टमर्स का बिलीफ डिग्रेड होगा तो ऑब्वियसली वो उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे, तो उसको ही क्या कहा जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं सलामी अटैक। तो सलामी अटैक इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ सीरीज ऑफ मैनी स्मॉल एक्शंस टू प्रोड्यूस अ मच लार्जर एक्शन और रिजल्ट दैट वुड बी डिफिकल्ट और अनलॉफुल टू परफॉर्म ऑल एट वंस। क्लियर। सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरासमेंट हो जाएगा, स्टॉकिंग हो जाएगा। तो जब कभी भी कंप्यूटर या सोशल मीडिया या आईसीटी का यूज़ करके किसी भी अदर पर्सन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसको स्प्रेड किया जाता है, राइट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाता है, शेयर किया जाता है, राइट, या फिर सोशल मीडिया पर कमेंट्स के द्वारा या मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा उसकी रेपुटेशन को डिग्रेड किया जाता है, उसको एरिटेट किया जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, हरेसमेंट कहा जाता है या स्टॉकिंग कहा जाता है, राइट, और ये क्या है, एक अनलॉफुल एक्ट है इंडिया में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पायरेसी हो जाएगा। और पायरेसी क्या होता है ये समझिए, देखिए अगर हम देखें तो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के पेटेंट्स होते हैं, राइट, या इंडस्ट्रियल राइट्स होते हैं, राइट, ट्रेडमार्क होता है जिसकी वजह से कोई भी कंपनी अपने जेन्यून प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है, तो जब कभी भी उस जेन्यून प्रोडक्ट की कॉपी की जाती है और उसको मार्केट में राइट एट अ लो प्राइस उसको सेल किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं, जो कि
बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो मूवीज़ में हो जाएगी, जैसे मूवीज़ को आप थिएटर में वॉच करते हैं, बट नाउ डेज आप किसी भी रिलीज्ड मूवी का 1 or 2 days बाद उसका जो पायरेटेड वर्जन है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके घर पर ही उस मूवी को देख सकते हैं, जिससे प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी एट योर स्माइल देन डेफिनेटली यू वॉन्ट गो टू थिएटर टू वॉच दैट मूवी, राइट? तो इस तरीके से जो पायरेसी है, चाहे वो सॉन्ग्स की हो, वीडियो गेम्स की हो, राइट, या किसी एप्लीकेशन की हो, उसको ही क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं। तो व्हाट इज पायरेसी, राइट? ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो कॉपिंग, राइट, कॉपिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड सेलिंग देयर कॉपी इन द मार्केट, ध्यान रखना, कॉपिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड सेलिंग दैट, राइट, कॉपिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट इज नोन एज पायरेसी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्विम सिम स्वैप क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। अब स्विम स्वैप स्कीम क्या होती है कि देखिए, दिस सिम स्वैप स्कीम अकर्स व्हेन फ्रॉडर्स मैनेज टू गेट अ न्यू सिम कार्ड इश्यूड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो कोई भी रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होता है उसके अगेंस्ट में जब फ्रॉडर्स एक न्यू सिम कार्ड को क्या कर लेते हैं, इश्यू करा लेते हैं। इससे क्या होगा, नाउडेज एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, राइट, या उसका जो मोबाइल नंबर होता है इज लिंक्ड टू द बैंकिंग सिस्टम, राइट, उसकी सोशल मीडिया पर या एवरीवेयर उसका मोबाइल नंबर क्या होता है, लिंक होता है। और अगर वो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में कोई नया सिम न्यू जो सिम कार्ड है वो इश्यू करा लेंगे, तो ऑब्वियसली उसके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उसका जो OTP है, राइट, वो फ्रॉडर्स के पास में पहुंच जाएगा, जिससे वो उसके फाइनेंशियल उसको लॉस पहुंचा सकते हैं, या फिर उस सिम का यूज़ जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में भी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्विम स्वैप क्या कहते हैं, स्कैम कहते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पैमिंग, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है और फिशिंग भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर स्पैमिंग क्या होता है। तो देखिए, स्पैमिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कई बार कमर्शियल मैसेज जो हैं ईमेल्स, SMS या MMS के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, और दीज आर सेंड टू परसुएड द रेसिपिएंट टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। और ये कई बार जो है ह्यूज नंबर ऑफ मैसेजेस जो है सेंड किए जाते हैं, ताकि वह पर्सन वो है कोई भी प्रोडक्ट को क्या करे, परचेस करे, या फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो अवेलेबल कराए, तो उसको ही क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। तो स्पैमिंग में SMS ईमेल सेंड किए जाते हैं और जो भी यूज़र है उसको परसुएट किया जाता है कि वह किसी भी वेबसाइट को विजिट करे या किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करे या उसकी जो है इंफॉर्मेशन, जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉडर्स के पास में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। क्लियर? तो स्पैमिंग अकर्स व्हेन समवन रिसीव्स एन अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज सेंट विया ईमेल, SMS, MMS एंड एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया, राइट, एंड दे मे ट्राई टू परसुएड द रेसिपिएंट टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस और विजिट अ वेबसाइट वेयर ही कैन मेक परचेसेस और मे अटेम्प्ट टू ट्रिक हिम हर इनटू, राइट, डिवलजिंग बैंक अकाउंट, राइट, डिवलजिंग बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, राइट। अब हम यहां पर समझते हैं कि फिशिंग क्या होता है। अब देखिए, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग में भी जो है इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, बट कैसे, राइट, फिशिंग में भी जो ईमेल भेजा जाता है वो अपीयर होता है लेजिटिमेट सोर्स से। किससे, जो ईमेल होता है वो लेजिटिमेट सोर्स से भेजा हुआ अपीयर होता है, और आप उसको लेजिटिमेट ईमेल समझकर उसको आप रिस्पोंड करते हैं, और हो सकता है आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह भी अवेलेबल करा दें, और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन का थेप्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन की थेप्ट किसी ईमेल के माध्यम से होती है और जो ईमेल लेजिटिमेट ईमेल जो है अपीयर होता है तो उसको फिशिंग कहते हैं, और जब यही इन्फॉर्मेशन किसके फ़ोन कॉल के थ्रू होती है, राइट, तो उसको क्या कहते हैं, विशिंग कहते हैं। ये तीनों में क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर? तो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग इज अ, राइट, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड, राइट, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर ID, IPIN है,
राइट, इंटरनेट पिन है या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर हो जाएगा, कार्ड एक्सपायरी डेट हो जाएगा, सीसीवी नंबर हो जाएगा, थ्रू ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, राइट। तो किसके माध्यम से? थ्रू ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। अब विशिंग क्या होता है? विशिंग इज आल्सो द प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर एन एग्जाम्पल कस्टमर आई डी, नेट बैंकिंग पासवर्ड, ATM, OTP, राइट, कार्ड एक्सपायरी डेट, थ्रू अ फोन कॉल। तो जब फोन कॉल से इसी एक्टिविटी को करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विशिंग कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम जो है यहाँ पर सेकेंड वाला पढ़ते हैं, राइट। तो स्पैमिंग हो गया, फिर उसके बाद में राइट सी सेम हो जाएगा। सी सेम का क्या हो जाएगा? चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो जाएगा या चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखिए, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल, राइट, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल या सी सेम रिफर्स टू अ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल इमेजेस इन एनी फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड हु इज अब्यूज्ड और सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड। तो किसी भी चाइल्ड की, राइट, किसी भी चाइल्ड की जो सेक्सुअल इमेजेस हैं, राइट, सेक्सुअल इमेजेस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो जिसमें चाइल्ड को एब्यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको स्प्रेड करना ही क्या कहलाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। एंड सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट स्टेट्स दैट इट इज पनिशेबल फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो IT एक्ट 67B के तहत, राइट, चाइल्ड अगर डिपिक्ट होता है किसमें, चिल्ड्रन डिपिक्टिंग सेक्सुअली इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, तो उसको क्या माना जाएगा? चाइल्ड पोर्नोग्राफी माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है लोगों को पनिश किया जाएगा जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर क्या हो जाएगा? साइबर ग्रूमिंग हो जाएगा। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, राइट? साइबर ग्रूमिंग इज अ प्रोसेस व्हेन अ पर्सन बिल्ड्स एन ऑनलाइन रिलेशनशिप, राइट, जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई भी दूसरी सोशल मीडिया से जब क्या होते हैं ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाया जाता है विद या यंग पर्सन एंड ट्रिक्स और परसुएसेस हिम और हर इनटू डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअली ग्रूमिंग कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? देखिए, अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक इंटेंडेड फॉर denying access to computer resources without the permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, right, through computer network. तो computer network का use करने से रोकना ही क्या कहलाता है? denial of services कहलाता है, right? और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये आपसे, सबसे पहली चीज़ तो DDoS, इसका full form पूछा जाता है, तो DDoS का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। आप किसी भी वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं? ओपन करना चाहते हैं, बट कई बार अगर आप इस वेबसाइट के यूज ना कर पाए और इसकी वजह से इस पर आर्टिफिशियल लोड है वो क्रिएट किया जाए, राइट, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। तो अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज और DDoS अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें, राइट, जिसमें people who are in need of employment, right, by giving them false hope or promise of better employment with higher wages. और कई बार क्या होता है कि लोगों को higher wages के लिए और false hope के लिए पैसे पहले उनसे account number लिया जाता है, उनसे बोला जाता है कि you need to deposit 10,000 rupees, after that we will issue a call letter, और इस तरीके से the person who is in the search of job वो कई बार पेमेंट को भी डन कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑनलाइन जॉब फ्रॉड भी कहा जाता है।
देन ऑनलाइन क्या हो जाएगा, सेक्सटॉर्शन हो जाएगा. सेक्सटॉर्शन क्या होता है कि किसी भी पर्सनल वीडियो, ऑडियो, वीडियो या इमेजेस को अगर कोई व्यक्ति स्प्रेड करने की थ्रेट देता है और उससे सेक्सुअली फेवर चाहता है या मनी चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन कहते हैं. तो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन अकर्स व्हेन समवन थ्रेटन्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट एंड सेंसिटिव मटेरियल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इफ ही सी डज नॉट प्रोवाइड मनी और फेवर्स हिम और हर सेक्सुअली, तो उसको ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन कहते हैं. फिशिंग को हम समझ चुके हैं, विशिंग को समझ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी स्मिसिंग. स्मिसिंग क्या होता है? स्मिसिंग एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें मैसेजेस के द्वारा विक्टिम को क्या किया जाता है, ल्योर किया जाता है, ताकि राइट जो है फ्रॉडुलेंट वेबसाइट और जो मैलिशियस कंटेंट है वो क्या कर ले, डाउनलोड कर ले. राइट, तो मैं फिर से इसको लिंक करना चाहूँगा. फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, उसको फिशिंग कहते हैं. और जब इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है थ्रू अ फोन कॉल, उसको विशिंग कहते हैं. और स्मिसिंग क्या होता है? थ्रू मैसेजेस हो जाएगा. तो स्मिसिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूजेस मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस टू ल्योर विक्टम्स इनटू कॉलिंग बैक ऑन अ फ्रॉडुलेंट फोन नंबर, विजिटिंग फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स और डाउनलोडिंग मैलिशियस कंटेंट और फोन, और क्या हो जाएगा, वेव हो जाएगा. कई बार ऐसे एसएमएस आते हैं जिनमें क्या होती हैं, लिंक होती हैं. व्हेन यू क्लिक द लिंक, तो आप किसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पर क्या होते हैं, सीधा रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो उसको ही स्मिसिंग कहा जाता है. देन हो जाएगा यहाँ पर सेक्सटिंग हो जाएगा. तो सेक्सटिंग क्या होता है, देखिए सेक्सटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट. तो सेक्सटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, राइट, यूजुअली बाय क्या हो जाएगा, सेल फोन. तो जब सेल फोन से आप इनको सेंड करते हैं तो उसको सेक्सटिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाएगा और डेबिट कार्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा. नॉर्मली जब आप कोई परचेज प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो कार्ड नंबर होता है और जो डेबिट कार्ड नंबर होता है वो कई बार स्टील कर लिया जाता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रैनसम वेयर हो जाएगा. अब रैनसम वेयर क्या है, ये एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें हैकर सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि जो भी यूज़र है वो उसका यूज़ ना कर पाए, और इन रिटर्न ऑफ डेट या उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वो क्या करता है, मनी को डिमांड करता है. तो रैनसम वेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल्स, स्टोरेज मीडिया और कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, होल्डिंग डाटा इंफॉर्मेशन एज होस्टेज. तो इनक्रिप्ट करके डाटा को वो होस्टेजेस रख लेता है. द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे द डिमांड रैनसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्ट. और ये अटैक जो इंडिया में हो चुके. देन क्या हो जाएगा, डाटा ब्रीच. डाटा ब्रीच क्या होता है, जब किसी को भी किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा के एक्सेस के लिए अथोराइजेशन नहीं होता है, बट ही सी अगर उस डाटा को एक्सेस कर लेता है तो उसको डाटा ब्रीच कहते हैं. क्लियर, ये भी एमसीक्यू में जो है पूछा जा सकता है. अ डाटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड विदाउट अथोराइजेशन. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिफेसमेंट हो जाएगा. डिफेसमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फेसमेंट, राइट, डिफेसमेंट. तो कुल मिलाकर जब किसी भी जो जेन्युइन वेबसाइट होती है उसको हैक करके, राइट, उसके होम पेज पर जब कोई भी किसी भी ऑफसीन इमेज को या फिर मैसेज को या वीडियोस को क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है या उसको डिसफंक्शनल बना देता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट डिफेसमेंट कहते हैं. राइट, तो वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन अटैक intended to change the visual appearance of a website or make it dysfunctional. The attacker may post, right, indecent, hostile and obscene images, right, messages, videos on the website. तो उसको क्या कहते हैं, website defacement कहते हैं. अब most important जो कि exam में पूछा ही जाएगा, right, वो है cyber squatting. राइट, साइबर स्क्वेटिंग क्या होता है, देखिए
नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कंपनी की एक जेन्यून वेबसाइट होती है और उस कंपनी का जेन्यून क्या होता है, लोगो होता है, राइट। और वो जो कंपनी होती है वो अपने लोगो या अपनी जेन्यून वेबसाइट से ही प्रोडक्ट को क्या करती है, परचेज करती है। बट कभी भी अगर कोई अनदर पर्सन उस वेबसाइट या फिर उसके लोगो का, राइट, लोगो का यूज़ करके अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसको ही साइबर क्या कहते हैं, स्क्वैटिंग कहते हैं, राइट। तो साइबर स्क्वैटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, राइट, ट्रैफिकिंग इन एंड यूजिंग अ डोमेन नेम, राइट। साइबर स्क्वैटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग इन और यूजिंग डोमेन नेम विद एन इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ अ ट्रेडमार्क बिलोंगिंग टू समबल्स एल्स, उसको ही क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी भी पर्सन को, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर www.mppsc.com, ये क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए मैं मान ले रहा हूँ, और कोई व्यक्ति इसको www.mppsc123.com इस तरीके से ये जो है डोमेन नेम को रजिस्टर करा लेता है और उस पर जो है यूजर्स को एप्लीकेशन वगैरह के लिए इनवाइट करता है, राइट। तो उससे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, बट इससे मिलती जुलती जो वेबसाइट है वो mppsc123.com हो जाएगा। तो इस डोमेन नेम का यूज़ करके वो ट्रैफिक को अपने साइट पर बुला सकता है और उससे प्रॉफिट जो है प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि MPPSC की जो गुडविल है या साख है वो मार्केट में बहुत अच्छी है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनकी स्क्वैटिंग इतनी इजी नहीं है, क्योंकि तुरंत के तुरंत उन पर जो है एक्शन ले लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फार्मिंग हो जाएगा। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। फार्मिंग क्या होती है कि देखिए, चाहे किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हो, राइट, तो सोशल मीडिया अकाउंट हो या यूट्यूब पर क्या हो चैनल हो या इंटरनेट पर ब्लॉग हो, राइट, अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तो उसके फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे, उसके यूज़र्स ज़्यादा होंगे, राइट, और उसकी साइट पर ट्रैफिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि कितने यूज़र्स उस वेबसाइट को या उस चैनल को विजिट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो यूज़र्स है, जब उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो जो मार्केटिंग कंपनीज है वो उस यूज़र से या उस जो है उस ओनर से, उस चैनल के या उस ब्लॉग के ओनर से कांटेक्ट करती हैं और उससे कहती हैं कि आप आपकी साइट पर हमारे इस प्रोडक्ट की क्या करिए, ऐड करिए। जैसे अगर आप देखते हैं तो नाउडेज क्या होता है, जो यूट्यूब के चैनल पर आप देखते हैं तो उसमें कुकू जो FM है, राइट, आपको हर एक यूट्यूबर जो है किसी न किसी जो स्टॉक, राइट, या एक तरीके से जो शेयर मार्केट है या स्टॉक को परचेस करना, कुकू FM है, इनका क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में यूजर्स हैं। तो इस तरीके से जो है ये सभी जो है वर्क करता है, सोशल मीडिया या कोई भी यूट्यूब चैनल हो जाएगा। बट क्या हो कि एक किसी भी पर्सन का क्या है, एक जेन्यून वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, बट उस चैनल पर या उस वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको किसी बोगस वेबसाइट पर क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसको ही क्या कहते हैं, फार्मिंग। तो फार्मिंग इज़ अ साइबर अटैक एमिंग टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट। तो यहाँ पर केवल और केवल बात किसकी हो रही है, वेबसाइट की। तो जब किसी भी जेन्यून वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो बोगस वेबसाइट पर आ जाए, जहाँ पर जो बोगस वेबसाइट है वो एडवर्टाइजमेंट करके जो है मॉनेटरी गेन करे, तो उसको क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिप्टो जैकिंग हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी नाउडेज जो है वो हर एक फील्ड में यूज़ की जा रही है और क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेट का यूज़ करके माइन किया जाता है। तो क्रिप्टो जैकिंग इज़ द अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। तो जो कंप्यूटर के जो जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं उनको क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए जब यूज़ किया जाता है तो उसको ही क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाएगा। तो जो डार्क वेबसाइट है वहाँ पर जो ड्रग है उसको सेल एंड परचेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एस्पियोनेज हो जाएगा। एस्पियोनेज क्या होता है कि किसी की भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना,
without the prior knowledge या prior permission of the owner. तो espionage is the act or practice of obtaining data and information without the permission and knowledge of the owner. उसको कहते हैं espionage. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वायरसेस की, वर्म्स की एंड क्या हो जाएंगे, ट्रोजन्स की हो जाएंगे. जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है उसमें हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, राइट. बट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, राइट, वायरसेस से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. यहाँ से वायरसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रोजन से भी. तो मेरा जो है यहाँ पर, मैं आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन्स क्या होते हैं, समझते हैं. देखिए वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को किसी भी कंप्यूटर में रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके ही वो उस कंप्यूटर की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, राइट. या जो फाइल्स हैं या जो डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, राइट. या मेमोरी को क्या कर देता है, फुल कर देता है, उसको क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं. तो अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम रिटन टू एंटर योर कंप्यूटर एंड डैमेज और अल्टर योर फाइल्स, डाटा एंड रेप्लिकेट इट्सेल्फ. तो वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि फाइल्स और डाटा को डैमेज कर सकता है, अल्टर कर सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है. फिर वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स के बारे में समझते हैं. देखिए वर्म्स आर मेलिशियस प्रोग्राम्स दैट मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन ऑन लोकल ड्राइव और नेटवर्क शेयर्स. इससे क्या होती है कि डिवाइस में कितनी मेमोरी है वो पता नहीं चल पाता है, और ये मेमोरी को क्या करता है, अफेक्ट करता है. तो वर्म्स आर मेलिशियस प्रोग्राम्स दैट मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन. फिर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स. सबसे पहली चीज़ तो ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस. सेकेंड, ट्रोजन हॉर्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है. क्या होता है, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है. चौथी, दिस लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन. इसीलिए इसको सर्च करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. और ये जो है अपने आप को रेप्लीकेट भी नहीं करता है और हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. ऑल्सो ट्रोजन्स ओपन्स अ बैकडोर एंट्री, ताकि आपकी जो डाटा है या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जो है स्टील की जा सके. तो ये यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको याद रखना है. तो अ ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन. एंड अनलाइक वायरसेस, जो ट्रोजन हॉर्स हैं डू नॉट रेप्लीकेट देमसेल्व्स, बट दे कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव. ट्रोजन्स ओपन्स अ बैकडोर एंट्री टू your computer which gives malicious users or programs access to your system allowing confidential and personal information to be tapped. चलिए अब साइबर क्राइम्स जो है, साइबर क्राइम्स जनरली होता है किसके माध्यम से, हैकिंग के माध्यम से. क्योंकि कंप्यूटर का या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर कोई भी जेन्युइन यूजर उसका यूज कर रहा है सो दैट इज गुड. बट अगर कोई पर्सन, राइट, अगर कोई पर्सन किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क, राइट, या फिर किसी भी सोशल मीडिया का विदाउट द प्रायर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड परमिशन ऑफ जो ओनर है, उसके उस कंप्यूटर के डाटा या इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करता है, स्टील करता है, उसको ही क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं. तो हैकिंग बिल्कुल सिंपल है, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क दैट माइट नॉट बी लीगल और परमिटेड फॉर एनी रैंडम यूजर. डेफिनेशन क्या हुई यहाँ पर, राइट, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क दैट माइट नॉट बी लीगल और परमिटेड फॉर एनी रैंडम यूजर. और ऐसे पीपल जो हैकिंग का क्या कर लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, उनको ही हैकर्स कहा जाता है. एंड द पीपल हु मास्टर हैकिंग आर नोन एज हैकर्स एंड दे आर वेरी स्किल्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम्स, या उनको ग्रेट नॉलेज होता है किसका, वेरियस सॉफ्टवेयर्स का एंड हार्डवेयर डिवाइसेस का. जनरली जो हैकर्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं. तो पीपल हु हैव हैकिंग स्किल्स, राइट, तो द पीपल हु हैव हैकिंग स्किल्स उनको हैकर्स कहा जाता है. और उनको फोर टाइप्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स,
right? Black hat hackers and gray hat hackers. And this question have been asked in the MPPSC examination, right? So MPPSC side 2017 या 2018 में ये जो है questions पूछा जा चुका है कि इनमें से कोई एक हैकर के बारे में पूछा था, तो हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाइट हैट हैकर्स हो जाएगा। वाइट हैट हैकर्स क्या होता है, देखिए वाइट हैट हैकर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसके इंटेंशन क्या होते हैं, इंटेंशन जो है मैलिशियस नहीं होते हैं, राइट। ये एक तरीके से इसके इंटेंशन गुड होते हैं, ही हैज़ गुड इंटेंशन, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एथिकल हैकर्स कहते हैं। मतलब ये हैकर्स किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सिस्टम को एक्सेस करता है, लेकिन इसके इंटेंशन गुड होते हैं, इसलिए इनको एथिकल हैकर्स कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो सिक्योरिटी है उसको चेक किया जा सके और जो भी बग्स हैं एरर्स हैं उनको फिक्स किया जा सके। तो वाइट हैट हैकर्स और दोज हैकर्स हु हैव गुड इंटेंशन, ये एथिकल हैकर्स होते हैं, एंड दे आर द पर्सन हु चेक द सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एंड फाइंड एरर्स टू फिक्स दीज, उनको क्या कहते हैं, वाइट हैट हैकर्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्लू हैट हैकर्स होते। तो ब्लू हैट हैकर्स भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनके गुड इंटेंशन होते हैं, राइट। तो ब्लू हैट हैकर्स हैज आल्सो गुड इंटेंशन, राइट, एंड ये भी क्या करते हैं, एथिकल होते हैं। तो ब्लू हैट हैकर्स हैज आल्सो गुड इंटेंशन टू एक्सेस पर्टिकुलर सिस्टम इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन, इसीलिए इन्हें भी एथिकल हैकर्स कहा जाता है। अब ये हैकिंग क्यों करते हैं, तो दीज ब्लू हैट हैकर्स अनकवर एंड फिक्स, राइट, दीज हैकर्स अनकवर एंड फिक्स एरर्स इन द सॉफ्टवेयर बिफोर इट इज़ रिलीज्ड फॉर यूज़र। तो जब भी कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जब वो डेवलप होता है तो उसको रिलीज होने से पहले ही ये क्या करते हैं, उसके लूपहोल्स को चेक करते हैं। और लूपहोल्स को चेक कैसे करते हैं, भाई ये उसको अनऑथराइज्ड उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, राइट, और जो भी बग्स होंगे उनको फिक्स करेंगे। तो ये हो जाएंगे ब्लू हैट हैकर्स। फिर तीसरे हो जाएंगे ग्रे हैट हैकर्स। सो द हैकर हु वर्क्स ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द हैकिंग, उनको ही ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। और दरअसल ये क्या होते हैं, ब्लू या वाइट हैकर्स ही होते हैं, राइट। अब जो खतरनाक वाले हैं वो कौन होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। जनरली इनके इंटेंशन क्या होते हैं, बैड होते हैं, और ये किसी भी एप्लीकेशन को या सिस्टम को एक्सेस करते हैं और अनलॉफुल वर्क में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और इनको ही क्या कहा जाता है, क्रैकर्स कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लैक हैट हैकर्स आल्सो नोन एज, तो उनको क्या कहते हैं, क्रैकर्स कहते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स हैव, राइट, ब्लैक हैट हैकर्स हैव बैड इंटेंशन टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, इसलिए इनको अनएथिकल, इनको क्या कहते हैं, अनएथिकल, राइट, अनएथिकल, ये अनएथिकल हैकर्स होते हैं, इनकी बैड इंटेंशंस होती हैं और इनको क्रैकर्स कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स यूज देयर स्किल्स टू डू इलीगल और अनलॉफुल वर्क, एंड दीज क्रैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स डू इलीगल एक्टिविटीज बाय ब्रीचिंग कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी एंड ऑब्टेनिंग द पासवर्ड्स, राइट। अब ये हैकर्स और क्रैकर्स क्या है, राइट, तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसको डिफरेंस कर देता हूँ ताकि कोई सा भी क्वेश्चन हो आप जो है इसको उत्तर दे पाए। तो सबसे पहले लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स, और उनकी हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो देखिए, हैकर्स आर गुड पीपल हु हैक द डिवाइस एंड सिस्टम विद गुड इंटेंशन। तो ये पहली चीज़ याद रखनी है, हैकर्स जो है वो गुड पीपल होते हैं और इनकी डिवाइस को हैक करने की इंटेंशन क्या होती है, गुड होती हैं। एंड दीज हैकर्स माइट हैक अ सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और पर्पस क्या होता है, ये किसी भी सिस्टम को एप्लीकेशन को इसलिए हैक करते हैं ताकि उसके जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट कर सके और उनको फिक्स किया जा सके। बट क्रैकर्स आर पीपल हु हैक अ सिस्टम बाय ब्रेकिंग इन टू इट एंड वॉलेटिंग इट विद सम बैड इंटेंशंस।
क्रैकर्स ऐसे होते हैं, क्रैकर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनके किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के बैड इंटेंशन होते हैं, और ये वॉयलेट करते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, वॉयलेट करके हैक करते हैं, और इनकी इंटेंशंस कैसी होती हैं, बैड होती हैं। एंड जनरली ये हैक क्यों करते हैं, तो जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स हैक अ सिस्टम फॉर स्टीलिंग कंटेंट डाटा और हार्मिंग इट परमानेंटली। तो ये डाटा को स्टील करते हैं या उसको परमानेंटली हार्म पहुंचाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रैकर्स। दूसरा, स्किल अगर नॉलेज की बात करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स के पास में एडवांस नॉलेज ऑफ क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, ये स्किल्ड होते हैं और इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। बट जनरली जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स मे बी स्किल्ड, क्रैकर्स जो है स्किल्ड भी होते हैं बट मे बी अनस्किल्ड। तो क्रैकर्स मे बी स्किल्ड हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट नीड एक्सटेंसिव स्किल, क्योंकि उनका काम है किसी भी वेबसाइट के लूपहोल्स का यूज करके उसको एक्सेस करना। बट हैकर्स हाईली स्किल्ड होते हैं जो कि एक तरीके से किसी भी सिस्टम को या डाटा इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा इनका ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या होता है। तो किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैकर्स का काम क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। तो हैकर्स वर्क विद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। बट क्रैकर्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को हार्म पहुंचाते हैं, एंड जनरली इन लोगों से ही जो है, जनरली दीज आर द पीपल फ्रॉम होम हैकर्स डिफेंड, राइट, डिफेंड सेंसिटिव डाटा एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। तो जो क्रैकर्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा को स्टील कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, इसीलिए क्रैकर्स से डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर्स जो हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में वर्क करते हैं। और एथिक्स की बात करते हैं तो हमने अभी देखा था जो वाइट हैट हैकर्स हैं या ब्लू हैट हैकर्स हैं या ग्रे हैट हैकर्स हैं, तो इसमें से वाइट एंड ब्लू हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स कहा जाता है। बट ये जो क्रैकर्स होते हैं ये इलीगल होते हैं और अनएथिकल होते हैं, क्योंकि ये विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ओनर ये उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डाटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हैं जो क्रैकर्स हैं, दे यूजुअली स्टील, डिलीट, करप्ट और कंप्रोमाइज द डाटा सो दैट वो उससे कोई मॉनेटरी गेन प्राप्त कर सके। अगर टूल्स की बात करते हैं तो हैकर्स यूज देयर ओन टूल्स फॉर चेकिंग, नेटवर्क स्ट्रेंथ हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो डाटा है उसके लिए इनके पास में टूल्स होते हैं। बट क्रैकर्स डू नॉट हैव टूल्स ऑफ देयर ओन। ये जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स यूज समवन एल्सेस टूल फॉर परफॉर्मिंग इलीगल एक्टिविटीज, इसीलिए इनके पास में अपने टूल्स नहीं होते, इसलिए क्रैकर्स को इजीली जो है अरेस्ट करना या उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। फिर नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं, दे इंप्रूव नेटवर्क्स स्ट्रेंथ, ये नेटवर्क में डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं और नेटवर्क को स्ट्रेंथ करते हैं। बट क्रैकर्स हार्म एंड डिप्लीट अ नेटवर्क्स स्ट्रेंथ, राइट। सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो चूंकि जो हैकर्स होते हैं ये एथिकल होते हैं, इनकी गुड इंटेंशन होती है, राइट, एंड ऑलवेज ये ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, देयरफॉर इनके लिए सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे XCEH क्या हो जाएंगे, सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इंटेंशन गुड होती है, ये लीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनके लिए सर्टिफिकेशन होते हैं। बट इनके पास में कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है हैकर्स के टाइप भी पढ़ लिए हैं, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। नाउ लेट्स स्टडी कि इंडिया में जो जितने भी क्राइम्स होते हैं उनके लिए क्या मेजर्स हैं। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं तो आईटी एक्ट 2000 हो जाएगा। इंडिया में अगर कोई भी इंडिया में अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसको आईटी एक्ट 2000 के द्वारा साइबर लॉ के तहत किसी भी पर्सन को बुक किया जा सकता है या उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा साइबर लॉ को वॉयलेट करने के लिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है।
उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग क्या हो जाएगा, पोर्टल। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है टू फैसिलिट द विक्टम्स एंड कंप्लेनिनेंट्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट्स ऑनलाइन। तो इस पोर्टल के द्वारा साइबर जो क्राइम्स हैं उनको ऑनलाइन रिपोर्ट किया जा सकता है। फिर अगला हो जाएगा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। तो आप याद रख लें कि 155260 इज द साइबर हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो है सर्ट इन, या जिसको आई सर्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। अगर हमारे कंट्रीज के डिफेंस के डाटा को, एक जो बैंकिंग डाटा है उसको जो है हैक किया जाता है, तो वहाँ पर जो बॉडी फंक्शन करती है उसका नाम क्या है, आई सर्ट। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है, ये नोडल एजेंसी है। तो इट इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर। तो जब भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए नेशनल नोडल एजेंसी कौन सी है, आई सर्ट है, एंड दिस इज ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड साइबर क्राइम्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन वी विल स्टडी साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। सो वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन थैंक यू।